संभल में आज कल्किधाम मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इससे पहले मुख्यमंत्री रविवार देर शाम को बरेली पहुंची और रात्रि प्रवास के बाद आज सुबह करीब 9 बजे हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संभल रवाना हो गए। वहीं मुख्यमंत्री के बरेली आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम रहे। बता दें, मुख्यमंत्री योगी रविवार रात करीब 8:15 पर त्रिशूली एयरपोर्ट पर उतरे, जिसके बाद आदिनाथ चौक होते हुए 8:35 पर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, मेयर उमेश गौतम, विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, डॉक्टर डीसी वर्मा और डॉक्टर श्याम बिहारी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अफसरों की मौजूदगी में सोमवार को लखनऊ में होने जा रही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की शॉर्ट फिल्म भी देखी, जिसके बाद प्रमुख जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से औपचारिक मुलाकात करके अपनी बात रखी, जबकि देर रात तक मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस और प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों के साथ वार्ता कर बरेली के हालात के बारे में फीडबैक लिया, जिनमें से कमिश्नर सौम्य अग्रवाल, आईजी डॉक्टर राकेश सिंह, डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी गुल्ली सुशील चंद्रभान देर रात तक सर्किट हाउस में रुके रहे, जबकि मुख्यमंत्री के सर्किट हाउस में रात्रि प्रवास के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सर्किट हाउस परिसर के साथ ही सड़क के दोनों छोर पर भी भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। वहीं आज सुबह करीब 9 बजे मुख्यमंत्री सर्किट हाउस से सीधे पुलिस लाइन पहुंचे और संभल रवाना होकर प्रधानमंत्री के हाथों कल्किधाम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए।